तो ये है अत्रि मुनि आश्रम में सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी। वाह, अत्रि आश्रम। अत्रि के आश्रम में जब प्रभु गयउ, सुनत महामुनि हर्षित भयउ, पुलकित गात अत्रि उठि धाये, देख राम आतुर चली आए। क्या बात, वाह वाह। तो इस तरह की चौपाइयां आप हर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बता देते हैं कि आज हम जाने वाले हैं सतना, क्योंकि आज मेरा CPCET का पेपर है। बहुत दिनों बाद फाइनली आज मेरा पेपर है। तो 7:30 से 8:30 के बीच रिपोर्टिंग टाइम है, 9 से पेपर है। तो चलिए निकलते हैं और फिर आपको भी दिखाते हैं सतना का टूर कैसा है और सतना के कॉलेज विट्स कॉलेज में अपना आज पेपर है। तो चलिए, हम लोग तो रेडी हो चुके, नहा धो 4 बजे उठे हैं, नहाना धोना हुआ और अब जाके फाइनली रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। तो चले गाइस, हम हो चुके रेडी और ये हमें सिपाही भी स्टार्ट हो गई हैं और मम्मी जा रही हैं घूमने। तो चलिए भाई, सबसे पहले डीजल ले लेते हैं क्योंकि दूर जाना है अपने को, 70 किलोमीटर का रास्ता है। तो गाइस, हम फिलहाल हैं सतना में ही। भाई यार, पेपर तो था यार, लेकिन हम इतना लेट हो गए थोड़ा सा कि हमको जल्दबाजी में ब्लॉग में कुछ दिखाने का मौका ही नहीं लग पाया। 7:30 से पेपर था और कुछ हो नहीं पाया फिर वीडियो में, इसलिए अभी हम लोग निकल आए हैं। कॉलेज हमारा पेपर हो गया है, तो अच्छी बात यह है कि मेरा मतलब CPCET का एग्ज़ाम शायद निकल गया है, क्योंकि टाइपिंग 31 है और हिंदी इंग्लिश दोनों की, और 42 नंबर आए हैं। तो भाई कुल मिला करके निकल गया है और इसी खुशी में अमित को ले जा रहे हैं पार्टी देने। तो चले चलते भोजन वगैरह करते हैं कुछ, फिर चलते हैं घर। तो ये आ गई है गन्ने के, अमित दादा स्टार्ट किए पीजिए वो कहेंगे कैसे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले है क्या मेनू में, क्या क्या आइटम है। वेज चाउमीन ये तो नहीं खाना। तो गाइस, हम लोग बैठे हुए हैं होटल में, भोजन लेने के लिए ऑर्डर हो गया है। अब जब तक आता है तब तक बैठे हैं इंतज़ार में, अब आ जाए उसके बाद फिर शुरू करते हैं। और हाँ, अभी अभी हम लोगों की प्लानिंग हो गई है रामबन जाने की। हम लोग भोजन लेने के बाद यहाँ से निकलेंगे रामबन। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं वहाँ का सीन। फिलहाल अपना भोजन आ जाए, उसके बाद फिर चलते हैं। अमित शुरू करो, शुरू करो है। तो भाई अब फिलहाल, तो भाई अमित ने पनीर ऑर्डर किया है, ये कढ़ाई पनीर है। तो रोटियाँ भी आ गई हैं और साथ ही साथ ये आ गया है बूंदी का रायता। तो भाई हम लोगों ने खाना खा लिया है और अब हम जा रहे हैं रामबन। तो मैंने पूछा भी तो यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर पड़ेगा, तो चले चलते हैं रामबन के लिए। आज अमित को घुमा देते हैं रामबन। तो
सो गाइज ये है राम वन का एंट्री का गेट, मतलब मेन रोड से इस तरह अंदर जाना है। यहाँ से पहुँच गए हैं हम राम वन। सो बाइक यहाँ पर लगाते हैं और फिर चलते हैं अंदर। ये राम वन के बाहर का नज़ारा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं राम वन और यहाँ पे तुलसी पुरातत्व संग्रहालय है, इधर भी दिखाएं थोड़ा। जी जी जी, उधर भी यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, तो चलिए आपको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। मोस्ट चीजें आपको हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे। फिलहाल आप ये एंट्री का ये तो ये है राम वन, पर्यटक स्थल बहुत अच्छा है ये। और अमित, हम बता देते हैं अमित जो है तो पहले है ना, अमित हम पहली बार आए हैं, इसलिए आप लोग को भी हम लोग दिखा रहे हैं। ये मेरा सेकंड टाइम है। ये क्या चीज है? अतिथि गृह है। अच्छा, अतिथि गृह, इसे क्या शानदार नजारा है, है ना। ये देखिए, इधर देखिए, एक मनुष्य जो है जेसीबी में उठाते हुए एक मनुष्य को जेसीबी में, आदमी को ही लोड कर लिए, एक जीव को लोड करते हुए हैं जेसीबी में लोड करते हुए। और इधर क्या है गाइस? इधर इधर कुछ नहीं, इधर मंदिर, इधर अरे सामने देख, सामने भी दिखाए, सामने कहाँ है ये लोकार्पण? हाँ जेसीबी तो है ही। ये राम वन का ये क्या सीन है इधर का? और गाइस आप लोग यहाँ घूमने के हिसाब से भी आ सकते हैं, मगर अभी बहुत धूप है, दोपहर में तो नहीं घूम सकते हैं, कोशिश करें। हाँ, ये गार्डन है, मगर कुछ लोग अभी भी घूमते नजर आ रहे हैं। हम इधर दिखाएं, इधर जी 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 सामने सामने, ये इधर गार्डन है क्या? अच्छा, वाह यार वाह, क्या सुंदर मंदिर है। ये है गाइस शिव जी, पार्वती जी, और कौन है, आप लोग दर्शन कर सकते हैं। अत्री मुनि आश्रम में सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी, वाह। अत्री आश्रम, अत्री के आश्रम में जब प्रभु गयउ, सुनत महामुनि हर्षित भयउ, पुलकित गात अत्री उठि धाये, देख राम आतुर चलि आये। क्या बात, वाह वाह। तो इस तरह की चौपाइयां आप हर फोटो में देखेंगे चित्रकूट में, जैसे श्री राम सीता लक्ष्मण जी का ये दृश्य, क्या शानदार नजारा है। और ये है नंदीग्राम में भरत जी द्वारा श्री राम की पादुका स्थापना हो रही थी, तब की ये फोटो है। और यहाँ भी बहुत ही अच्छी चौपाई लिखी हुई है, क्यों अमित जी? क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा लगा हमें यहाँ पे आने के बाद, बहुत अच्छा लगा, वाह वाह, मन एकदम हर्षित हो गया। अरे वाह क्या बात, तो यही तो चाहिए था कि आप आए और आपको अच्छा लगे यहाँ पर। हमारे जी हैं, पार्वती जी हैं, और शिव परिवार है टोटल कुल मिला करके, क्या अमित। तो ये है कृष्णायन, इस भवन का नाम, वाह क्या शानदार बना हुआ है भाई। भाई जब एक जन भैया ने बताया है कि एक कुआं भी आगे है जो तो कभी खत्म नहीं होता पानी, जिसका पानी कभी भी नहीं। तो चलिए अपन देखते हैं, क्योंकि हम पिछली बार जब दादा के साथ आए थे तो सिर्फ हनुमान जी के दर्शन किए थे और निकल गए थे, इधर घूमना नहीं हो पाया था। प्यास लग रही है तो यहाँ पर जलपान की भी व्यवस्था है, खाना पीना जो कुछ भी है आपको, अगर कभी आप राम बनाते हैं तो आपके लिए यहाँ पे व्यवस्था है। भैया कुआं कहाँ यहाँ पर ना भैया? भैया ओ भैया इधर कुआं भी है, कुआं पूछ लेते यार, कुआं कहाँ पर है? अंदर से घुसना पड़ता है, अंदर से घुस जाइए, कभी नहीं सूखता है, कभी नहीं सूखता। तो ये है अद्भुत लीला भगवान श्री राम सीता जी की, क्यों कितने भी बरसात, मतलब गर्मी कितनी ना पड़े लेकिन ये सूख नहीं सकती। गहरी भी होगी ना अमित, कितनी? बहुत गहरी है। तुमको कैसे पता? तुम तो खुद पहली बार आए हो और कह रहे हो हाँ बहुत गहरी है। अमित कह रहा है बहुत गहरी है, अरे इसका पानी लग रहा बहुत गहरी है। तो गाइस इतनी ज़्यादा धूप है, लेकिन हालांकि फिर भी हनुमान जी से तो मिलना है, तो इसीलिए प्रसाद भी ले लिए हैं। अब चले चलते हैं अंदर, हनुमान जी के दर्शन करते हैं
और है तो इसे भी दर्शन तो दूर से ही हो जाते हैं लेकिन पास चल। तो ये देखिए, ये है राम वन, और राम वन में ये हैं हमारे बजरंगबली, श्री राम भक्त। जय हो जय हो। ले ये चढ़ा दे। ये नारियल गदा से फोड़ते हैं बस करें, ज्यादा नहीं उसका जल रहे थोड़ा। चढ़ेंगे वहीं पे हनुमान जी को चढ़ाएंगे चरणों में। कौन सीनियर हो? सो गाइज, हम पहुंच गए हैं सतना के रास्ते में ही पड़ता है खुरचन का, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और ये खुरचन के लिए फेमस है। तो हमने भी सोचा क्यों ना खुरचन ले लिया जाए। तो चलिए खुरचन लेते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है खुरचन भी, बता रहे हैं बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है खुरचन। ये देखिए ये खुरचन रखे हुए हैं। तो भाई 90 रुपये किलो है, 90 रुपये पाव है खुरचन, मतलब 360 रुपये किलो। तो चलिए फिर भी आधा किलो हम लेते हैं और फिर चलते हैं। तो भाई यहाँ पर हम खुरचन लेने रुके हुए हैं और खुरचन लेकर वह सब निकलने ही वाले हैं, मतलब यहाँ से घर। चलिए ठीक है फिर मिल। सो गाइस, फिलहाल हम बैठे हुए घर में। तो आज बहुत ज़्यादा टूर हुआ भाई, सतना से रामबन फिर घूमना उमना, मतलब पूरे दोपहर आज हम घूमते रह गए हैं। सो गाइस, फिलहाल अब तो हम घर में ही हैं और बैठे हुए हैं। तो गाइस, आज का हम ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।